मित्रों आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आरपी सिंह अपने चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द हमेशा के लिए कैसे ठीक करेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिस बीमारी के लिए वो हजारों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, उस बीमारी का इलाज हम प्राकृतिक तरीके से एक्सरसाइज योग के माध्यम से बता देंगे और आपका बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आज आप जान लीजिए स्पॉन्डिलाइटिस किसे कहते हैं। जब हमारे स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज होता है, तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जब ये स्पॉन्डिलाइटिस हमारे सर्वाइकल स्पाइन में होता है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और जब यही स्पॉन्डिलाइटिस हमारे लंबर स्पाइन में होता है तो इसको हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है तो जो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंज होता है, उसके वजह से जो वर्टिब्रल स्पेस है, जो डिस्क के बीच में जो स्पेस होता है, वो कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो जो स्पाइनल कार्ड, जो वहाँ से नसें निकलती हैं, उसको दबाव बनाती है, उसको दबाव देती है, तो दबाव की वजह से हमारे गर्दन में दर्द होता है। पहले ये रोग जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 60 साल से 70 साल में देखा जाता था, लेकिन आज ये बहुत कॉमन हो गया है। गलत पोस्चर में बने रहने की वजह से, लगातार गर्दन को झुका के काम करने की वजह से सबसे बड़ा कारण हो गया है मोबाइल लैपटॉप, जिस पर कंटिन्यू गर्दन झुका के बहुत देर तक एक ही स्थिति में बने रहने के कारण ये रोग हो रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप बहुत देर तक ऐसे गर्दन झुका के काम नहीं कर सकते हैं। जब आप स्टडी करिए तो स्थिति एकदम सही रहे। बहुत से लोगों की स्थिति होती है, पढ़ाई ऐसे करते हैं, गर्दन ऐसे झुका के लिखते हैं, उन लोगों में ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका ध्यान देंगे, और ऊंची तकिया लगाकर सोना ये सबसे बड़ा कारण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। तो ऊंची तकिया लगाकर आप नहीं सोएंगे, जब आप सोइए तो जो गर्दन है एकदम बराबर होना चाहिए, तब आपको ये रोग नहीं होगा। तो अब आप जान लीजिए इसके लक्षण। जो ये गर्दन दर्द होता है, ये रेडिएटिंग टाइप भी होता है, गर्दन भारी रहेगा, गर्दन दर्द होगा, फिर ये दर्द कंधे तक आएगा और ये हाथ तक, ये उंगली तक भी जाएगा, इसमें नंबने सुन्नपन भी आता है, भारीपन रहता है, और ये गर्दन दर्द, सिर दर्द पीछे का जो हिस्सा वहाँ तक जाता है, और आगे का स्टेज होता है वर्टिगो, चक्कर आने लगता है, और उसके आगे का स्टेज है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज को वोमिटिंग आने लगती है, उल्टी होने लगती है। तो उस स्टेज तक न जाएं, उसके पहले ही दवा करके आप ठीक हो जाएं। तो आप जान लीजिए, यदि आपके गर्दन में दर्द हो रहा है और ये जो गर्दन है इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है, अकड़न आ जाती है, तो यदि ये लक्षण है तो आप होम्योपैथ की सबसे बेस्ट दवा नोट कर लीजिए, उसको खा लीजिएगा, रस्टाक्स 1 mg, ये सप्ताह में एक बार 5 बूंद जुबान पर गिराइएगा। जिस दिन ये दवा लीजिएगा कोई और दवा न लीजिएगा। बाकी दिन जो दवा है आर्निका मॉन्ट 30, कालमिया लेट 30, कालमिया लेट का रोलर रेडिएटिंग पेन पे बहुत अच्छा काम करता है, और तीसरी दवा लेखनेंथस, ये तीन दवा 30 पोटेंसी में लेकर आइएगा, 5-5 मुझ जुबान पर 3 बार गिराइएगा, 2-3 महीने में सही हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपका वहाँ पे ऑस्टियोफाइट हो गया है, तो जब तक ऑस्टियोफाइट कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन हो गया है, तो जब तक वो गलेगा नहीं, कम नहीं होगा, तो जल्दी आराम नहीं होगा। तो इसके साथ आप कल्केरिया फ्लोर 6x ले लीजिएगा, 4 गोली 3 बार खाइएगा, ताकि यदि वहाँ पर ऑस्टियोफाइट हो तो वो कम हो, और साथ में दवा आप लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा, सही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस रोग को परमानेंट हमेशा के लिए ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही होगा, जिससे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे ग्रीवा संचालन। इस दवा के साथ जब आप
एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो दवा आराम करेगी लेकिन कुछ समय बाद फिर वापस आ जाएगा। यदि हमेशा के लिए आराम चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, उसमें हम ग्रीवा संचालन बताएंगे, ग्रीवा गर्दन नेक की वो एक्सरसाइज जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को एकदम जड़ से ख़त्म कर देगी। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।